अब बात करेंगे उत्तर के वार्ड नंबर 49 की, जिसमें नांता रोड कुन्हाड़ी इलाका आता है। इस क्षेत्र में सड़कों के नाम पर तो खूब विकास हुआ है, लेकिन वार्ड के अंदर गलियों में सफाई का अभाव देखने को मिला है। नालियां जगह जगह गंदगी से अटी हुई है। सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च करके चंबल की छोटी पुलिया से एक बाईपास भी बनाया गया है, लेकिन नालियों की सफाई नहीं होने से पिछले 6 माह से ज्यादा समय से नाली का पानी सड़क पर फहरा है। वह नालियों की सफाई नहीं होने से पूरे क्षेत्र में दुर्गत और गंदगी देखी जा सकती है। कचरा पॉइंट से कचरा नहीं उठता, लोग यहां पे परेशान हैं। लोगों से बात की तो उनका कहना है कि क्षेत्र में वार्ड पार्षद कभी कभी घूमने आते हैं। पार्षद बलविंदर सिंह से बात की तो उनका कहना है कि वार्ड में कई सारी समस्याएं हैं। समय समय पर निगम अधिकारी को अवगत भी करवाया गया है, लेकिन सफाई व्यवस्था पर निगम का कोई ध्यान नहीं है। अभी हमने आपको कोटा उत्तर नगर निगम वार्ड 49 नांता रोड कुनाड़ी के हालात दिखाए। यहाँ पर आपने देखा कि नालियाँ पूरी तरह कचरे से चौक हुई हुई है। नालियों के अंदर कचरा जमा है जिससे पानी नहीं निकलता। साथ ही सड़क के दोनों ओर कचरा पॉइंट होने से हमेशा गंदगी व आवारा जानवरों का जमावड़ा रहता है। वहीं आप इस जगह देख सकते हैं कि पीछे नाली होने के बावजूद भी पूरा पानी सड़क पर फैला हुआ है। इससे कई बार गाड़ियां फिसलने और सड़क दुर्घटनाएँ होने का चांस रहता है। हम आपको बात कराते हैं यहाँ से गुजर रहे लोगों से, क्या कहते हैं इसको लेकर। नदियों का काम हो रहा है, ललता जो अभी सो जाती है। मतलब अभी ये प्रॉपर पानी नाली में नहीं निकला यहाँ से? नहीं, ये नाली बनी है, पानी निकला जा रहा है, पानी गंदगी रहती है, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो है, कोई अधिकारी नहीं आता सुनने वाले? कोई भी नहीं आता। कब से देख रहे हैं आप ये सब? तब से ऐसा ही है। शुभ नाम क्या भाजी आपका? यहाँ से निकलते हैं, यहाँ के हालात आपने देखे हैं, अच्छी सड़क है, उसके बावजूद गंदगी और पानी फैला हुआ है सड़क पर। ये जब से निर्माण हुआ है, ये निर्माण से तब से यही समस्या है। यहाँ पे ना तो उधर से आगे से नाले खुले हुए हैं, जब से नाले लगे हुए हैं तब से नाले खुले हुए हैं। डेली जाते ये वाला पानी तो कभी, जब से ये निर्माण हुआ ना, उसके पहले तो भी ऐसी स्थिति थी, अभी भी ऐसी स्थिति है। कई बार गाड़ी स्लिप होने का भी खतरा रहता होगा? बिल्कुल, मैं 2-3 बार बचा हुआ हूँ, स्लिप होते होते हैं। लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ ये? अभी तक बंद नहीं हुआ, आगे से भी खुला हुआ है। ये पानी कहाँ से आता है, इन्होंने पता नहीं किस तरीके से निर्माण किया है, इसके बारे में तो फिर प्रशासन जाने या फिर यहाँ का जो निर्माण करता है वही जाने। शुभ नाम आपका? जी मैं भानु। मैंने आपको यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करवाई, स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से इस सड़क का निर्माण हुआ है तब से पानी सड़क पर फैला रहता है, ना वार्ड पार्षद आता ना कोई अधिकारी आता, ऐसे में कई बार सड़क दुर्घटनाएँ होने के चांस भी रहते हैं। राजेंद्र यादव, ST News के लिए।